हमारे भारत की महिलाओं पर, बहन बेटियों पर जो आए दिन घटना हो रही है, जो आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, उससे पूरी भारत की जो नारी है वो डर रही है, वो बाहर निकलने में भी डर महसूस कर रही है। क्या आपके प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है? मैं एडवोकेट हूँ, डॉक्टर, इंजीनियर, किसी भी प्रोफेशन की कोई महिला ये आज दावे के साथ नहीं कह सकती कि हम 21st century में अपने भारत में सुरक्षित महिलाएं। अभी हम लोगों को मैदान के रास्ते पे उतर के मैदान की लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि हमारी जो बहनें हैं इस देश में सुरक्षित नहीं है। क्योंकि अभी हाल ही में देखिए कि हाथरस में जो मरीसा बहन के साथ जो हुआ कि पहले उसका गैंग रेप किया गया, उसके बाद उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ा गया, उसके बाद उसकी जबान तक काट ली गई, और पुलिस ने इतने दिन तक वो अपनी मौत और जिंदगी से जूझती रही और उसके बाद उसने दम तोड़ दिया। जिस बेटी के साथ इतनी दरिंदगी की गई, उस बेटी को जस्टिस दिलाने की जगह उसको पेट्रोल डाल करके फूंक दिया गया पुलिस के द्वारा। आप उस बेटी को बचा नहीं पाए, लॉ एंड ऑर्डर आपका फेल था पूरी तरीके से। 8 दिन तक रेप का सेक्शन दर्ज नहीं किया आपने। जब उस बेटी ने अपना दम तोड़ दिया, उसके बाद किस वजह से आपने उस बेटी को पेट्रोल डाल के जलाया? क्या आप क्या छुपाना चाह रहे हो, क्या सबूत मिटाना चाह रहे हो, मुझे समझ नहीं आता। जो आप पुलिस को ऐसा करने पर मजबूर कर रहे हैं, क्या उनके घर में बहन बेटियां नहीं हैं? क्या उनकी उनकी रूहें नहीं कांपती? क्या उनको दर्द महसूस नहीं होता कि किस तरीके से उस बहन के साथ क्या क्या किया गया? हम बेटियों की डिग्निटी की कौन रक्षा करेगा? कानून नाम की कोई चीज याद हो, उन बेटियों को पेट्रोल डाल करके जलाया जाता है, जलाया गया। उसके बाद आप देखेंगे एसिड छिड़का जाता है, आईडी नीचे करना जी वालों। जो लोग इस क्रिमिनल माइंड सेट के हैं वो एसिड छिड़कते हैं, पुलिस पेट्रोल छिड़क करके उस बेटी को मार देती है, उसकी आत्मा को मारा जाता है, उसकी डिग्निटी को मारा जाता है। और अभी तो उस मनीषा की चिता की आग ठंडी भी नहीं। दूसरी घटना भी तुरंत हमारे सामने आ गई, बलरामपुर की। उस छात्रा के साथ भी सब लोगों ने गैंग रेप किया और गैंग रेप करने के बाद उसके हाथ पैर तोड़ दिए और उसको इंजेक्शन लगा दिया। आखिर कब तक ये चलता रहेगा? मैं पूछना चाहती हूँ मोदी सरकार और योगी सरकार से कि जो आपने जो नारा दिया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा कहाँ तक सही है? क्या इस पर, इस नारे पर कोई काम हो रहा है? मैं तो बल्कि ये कहूंगी कि जब से आप लोगों ने ये नारा दिया है तब से ज्यादा वारदातें हो रही हैं। देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और जो लोग भी इस रिस्पॉन्सिबल पद पे हैं, उनसे मैं सवाल करना चाहती हूँ कि देश की 49% आबादी के लिए आज तक आप लोगों ने क्या किया है? आपकी क्या स्ट्रेटजी है? बलरामपुर में जब तक ये दर्द कम नहीं हुआ तब तक बलरामपुर में एक और बेटी को दरिंदों ने खा डाला। कि यही राम राज्य है, पहले भी राम राज्य में बेटी की दुर्गति थी और आज भी अगर ये राम राज्य को शुरू कर रहे हैं तो आज भी बेटियों की दुर्गति है। मनुस्मृति के तहत पहले भी उनका शोषण होता था, पहले भी उनको भोग विलास की वस्तु समझा जाता था और आज भी वही उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ बर्बरता की। मैंने निर्भया को जस्टिस दिलाया, मैं मनीषा को भी जस्टिस दिलाऊंगी। बाबा साहेब के संविधान ने हम नारियों को सुरक्षा दी है, हम नारियों के लिए बराबर का अधिकार दिया था, लेकिन आज कहां, क्या उस कानून की धज्जा नहीं उड़ा रहे ये लोग? केस लड़ने की बात कह रही हूँ, सुबह उनके भाई सत्येंद्र से बात हुई लेकिन वो क्लियर बात नहीं हो पा रही, वो लोग बहुत दुखी हैं। इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ कि उस परिवार से मुझे मिलना है, उनसे बात करनी है और मुझे इस बेटी को न्याय दिलाना है। आखिर कब तक हम इन लोगों के भरोसे बैठे रहेंगे? हमको अपनी रक्षा सुरक्षा खुद करनी है। मैं भारत के सभी
नागरिकों से, सभी मनुष्य से ये विनती करना चाहती हूँ कि अपनी बेटी को सेल्फ डिफेंस सिखाइए। मरना तो तब भी है अगर तुम्हें कोई छेड़ता है, अगर तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी करता है तो उसको वहीं जान से मार दीजिए। क्योंकि सरकार को हमारी परेशानी नहीं दिख रही, बहन बेटियों की परेशानी, बहन बेटियों का अत्याचार नहीं दिख रहा, उसने आंख बंद कर ली है, सरकार ने आंखें बंद कर ली है। अमानवीयता का सबसे बड़ा उदाहरण है आपकी सरकार कितनी अमानवीय है, क्या क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में, और आप जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। आप आज भी ये बयान दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के फोन करने के बाद आपने SIT जारी की है, ये पहले क्यों नहीं किया गया, 14 तारीख को क्यों नहीं किया गया? इसलिए हमको खुद ही हमको न्याय करना होगा अपने साथ। इसलिए बहन बेटियों को सेल्फ डिफेंस सिखाइए, क्योंकि हमको फूलन देवी बनने की जरूरत है। अगर सरकार हमारा रक्षा नहीं करेगी, हमारी सुरक्षा नहीं करेगी, तो हमें खुद जिम्मेदारी लेनी है। मैं तो आप लोगों को बताऊंगी कि हमारे देश के अंदर कोई भी व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल पद पे है वो हमारे देश की बेटियों के लिए संवेदनशील नहीं है। क्योंकि अभी तक क्यों नहीं हमारे देश में कभी भी ऐसे कानून स्ट्रांग बने या फिर ऐसी कोई स्ट्रेटजी बना करके काम क्यों नहीं किया गया? ये आज सिर्फ मनीषा की बात नहीं है, पूरे देश की बेटियों की आइडेंटिटी की बात है। आप यहाँ पत्रकार है, मैं एडवोकेट हूँ, डॉक्टर, इंजीनियर, किसी भी प्रोफेशन की कोई महिला ये आज दावे के साथ नहीं कह सकती कि हम 21st century में अपने भारत में सुरक्षित हैं। आज पहली बार मुख्यमंत्री जी ने इस हादसे पर बयान दिया है, इतनी हैवानियत हुई इस लड़की के साथ, इतना बड़ा हादसा हुआ और 15 दिन बाद इनका बयान आया है। और बयान में क्या कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी का फोन आया और मैंने SIT को बनाया है। क्या आपको प्रधानमंत्री जी के फोन की इंतजार था? क्या 15 दिनों के लिए आप कुछ नहीं कर पाए? इस लड़की का इलाज नहीं किया आपने? पीड़िता को किसी अच्छे अस्पताल में नहीं ले गए? क्योंकि ये मनुवादी सरकार है और मनु के विधान में तो लिखा ही है कि महिलाओं को कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ एक भोग विलास की वस्तु है। इसीलिए मनु स्मृति को लोग लागू करना चाहते हैं। ये मनुवादी लोग हैं और इनसे हमको खुद ही न्याय लेना होगा। जो CO है इस केस के, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उनसे बात हुई है, SHO से मेरी बात हुई है और इस केस को मैं पहले से ही अपडेट ले रही थी, लगातार मेरी बात हो रही थी। जिस तरीके से इसमें CO जो कम सिंह है, उन्होंने मुझे बताया कि मैडम हमने इसलिए अभी 376 एक्शन नहीं लगाया क्योंकि बेटी स्टेटमेंट नहीं दे पाई। जो बेटी वेंटिलेटर पे है, बोल नहीं सकती, लिख नहीं सकती, उसका मेडिकल कराना चाहिए था आपको, सारी चीजें क्लियर हो जाती। और आपने क्या किया, फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेज दिया। इस देश के अंदर फॉरेंसिक लैब कितनी है? दो दो तीन तीन महीनों में रिपोर्ट आती है, तब तक इस देश की बेटियां क्या इसी तरीके से मरती रहेंगी? ये सवाल है। और यह कैसा भारत है जिस भारत में जाति देख के मोमबत्तियां जलाई जाती है? निर्भया जो कांड हुआ या फिर सवर्णों की बेटियों के साथ जब होता है तब हमें लोग रास्ते पे सबसे पहले उतरते हैं, क्योंकि पीड़िता की और आरोप जो भी पीड़िता है, जो भी सफर हुई है, जिसके ऊपर उत्पीड़न हुआ है, उसकी कोई जाति नहीं होती, एक इंसान के तौर पर उसको न्याय मिलना चाहिए। इसलिए दलित समुदाय भी बड़े तादाद पर रास्ते पर उतरता है उसको न्याय दिलाने के लिए। लेकिन यह कैसी विडंबना है स्त्री जाति की, यहाँ पे जाति देखकर भी मोमबत्तियाँ हाथ में लिए जाते हैं। तो ये घटनाएं कहीं ना कहीं रुकनी चाहिए, इसके आगे भी जाके यह घटना, जो भी घटना हुई है, उसका निषेध करना तो बहुत दूर की बात है। ऊपर से जो राष्ट्रीय सवर्ण परिषद है, वो सवर्ण परिषद कलेक्टर के ऑफिस में जाते हैं, वहाँ का एक जो पंकज धवैया करके जो नेतृत्व करता है सवर्णों का, वो जो नेता है उनका, वो बहुत सारे लोग लेके जाते हैं और कहते हैं कि ये घटना फेक है और जो आरोपी लोग हैं उनका कोई भी दोष नहीं है। लड़की ही ऐसी थी, वही रात के 2 बजे घूमने के लिए निकली थी। और इसके आगे भी जाके देश की मीडिया देखो कैसे जो सच्चाई है लड़की के साथ जो भी घटना घटी, वो सच्चाई न दिखाते हुए
लड़के के अगेंस्ट में वह बोला जाता है कि ये जो न्यूज़ है, ये जो घटना घटी है मानवता को शर्मसार करने वाली, यह घटना झूठ है, ऐसा किसी किसी मीडिया ने दिखाया है। सोचो, यानी वो सच्चाई तो नहीं दिखा रहा, लेकिन कैसे कॉन्स्पिरेसी करके योगी के अंडर में, मोदी के अंडर में यहाँ की मीडिया है और झूठी खबरें फैला रहा है। जुबान तो हमारे बेटी की काटी गई, लेकिन यहाँ की मीडिया ने चुप्पी साधी है। कितना बायस ये मीडिया है। अभी हम लोगों को मैदान के रास्ते पे उतर के मैदान की लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि हमारी जो बहनें हैं इस देश में सुरक्षित नहीं है।